सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एफिनिटी। तो अगर आप AMU EEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए आया है कि आपकी काउंसलिंग शेड्यूल आ चुका है। ठीक है, तो काउंसलिंग शेड्यूल आपका आ चुका है, इस वजह से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी 5 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में। तो इस वीडियो में आपको पूरा डिस्कशन मिलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बहुत सारे AMU EEE के वीडियोज़ प्रोवाइड कराए हैं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए बात करते हैं कि क्या होगा और किस डेट से स्टार्ट होगी। तो आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी 5 से 7 सितंबर के बीच में। अगर आप BTech BR यहाँ पर कोर्सेज लिखे हैं, इसकी अगर आपने अप्लाई किया है, तो आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी 5 सितंबर 2022 से 7 सितंबर 2022 तक। ठीक है, यानी कि 5 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन लॉगिन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और आपको चॉइस फिलिंग करना है। अगर आपको कोई ब्रांच की जैसे रिक्वायरमेंट है, जो भी आपकी जो ब्रांच है आपको रिक्वायर्ड हैं, वो आपको चॉइस फिलिंग करना है। और बाद में आपको सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड करना है। ये आपको काम करना है 5 से 7 सितंबर के बीच में। फिर 8 से 10 सितंबर तक आपके यहाँ पर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगा, यानी कि आपने जो ऊपर डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं 5 से 7 सितंबर के बीच में, वो 8 तारीख से 10 तारीख के बीच में आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो यहाँ पर वेरीफाई हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 11 सितंबर को रीसबमिशन है। आपका अक्सर लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं रीसबमिशन मतलब, रीसबमिशन का मतलब यहाँ पर लिखा भी है आपका यहाँ पर कि वेयर एवर रिक्वायर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट्स अगेन रिजेक्शन। मान लीजिए आपने जो ऊपर डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं और 10 सितंबर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा, अगर मान लीजिए आपका वेरीफाई हो जाता है तब तो कोई बात ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मान लीजिए आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई इसमें फॉल्ट होती है, तो वो 11 सितंबर को आप उसका रीसबमिशन कर सकते हैं। 11 सितंबर को आप अपने जो आपका अगर फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, अगर वेरीफाई नहीं होता, तो आप उसका रीसबमिशन कर सकते हैं। 12 सितंबर को आपके जो रीसबमिशन वाला है फॉर्म, वो आपका वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, वो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे। अब तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो पहली फर्म लिस्ट यहाँ पर डिस्प्ले होगी वो उसके बाद 15 सितंबर तक लिखा है पेमेंट ऑफ द एडमिशन फ़ीस। यानी कि अगर मान लीजिए आपके जो पहली फर्म लिस्ट में आपको, मान लो आपको कोई ब्रांच मिलती है, ठीक है, आपको कोई भी ब्रांच मिलती है, तो आपको यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा फ़ीस का। ठीक है, मान लीजिए आपको आपको रिक्वायरमेंट थी सिविल की और आपको मिल रही है पेट्रोकेमिकल या कोई अदर ब्रांच, ठीक है, आपको वो नहीं चाहिए थी ब्रांच, लेकिन तब पर भी आपको यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा आपको फ़ीस का। ठीक है, क्योंकि अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे फ़ीस का तो आप इस पूरी काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा अगर आपको यहाँ पर कोई भी ब्रांच मिल रही है। ओके, और एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 11 सितंबर को आप कहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट देख सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ है कि नहीं वेरीफाई हुआ, या आप ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर देख सकते हैं, पोर्टल पर जाकर देख सकते हैं, या फिर मेल आएगा, हालांकि पोर्टल पर ही आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर फ़ीस 15 से 17 सितंबर के बीच में सबमिट कर देनी है। बाद है 19 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में, लिखा है ग्रेस पीरियड विथ फ़ाइन, यानी कि अगर आप ऊपर फ़ीस नहीं सबमिट करते हैं 15 से 17 सितंबर के बीच में, उसके बाद आप 19 से 20 सितंबर के बीच में आप फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन विथ फ़ाइन, यानी कि फ़ाइन के साथ, तो आप यहाँ पर फ़ाइन के साथ पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आगे का, तो फ्रेंड्स अब आप आगे देख सकते हैं 24 सितंबर से 25 सितंबर तक, ये अगेन लिखा है रजिस्ट्रेशन लॉगिन डॉक्यूमेंट अपलोड, ये राउंड 2 लिखा हुआ है, वो राउंड 1 था। तो ये एक्चुअल में क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। ये एक्चुअल में आपको फिर से जो बचे हुए स्टूडेंट हैं जो राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, वो राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको राउंड 2 में वही ब्रांचेस मिलेंगी जो ऊपर बची हुई ब्रांचेस होंगी, यानी कि ऊपर जो लेफ़्ट ब्रांचेस होंगी वही आपको राउंड 2 में ब्रांचेस मिलेगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आपकी रैंक कुछ भी है और आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया है और आप सेकंड राउंड में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपको 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 आपकी फेवरेट ब्रांच मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है।
अगर आपने राउंड वन में पार्टिसिपेट नहीं किया, राउंड टू में डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपको जो बची हुई ब्रांचेस मिलेंगी उन्हीं में से आपको कोई ब्रांच मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर भी प्रोसेस वही है, 24 सितंबर 25 सितंबर तक आपको रजिस्ट्रेशन लॉग इन प्रोसेस करना है, 26 से 27 आपको वेरीफिकेशन करना है, 28 सितंबर को आपको पोर्टल पर अगर चेक करना है, अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है तब तो अच्छी बात है, वरना आपको रीसबमिशन करना है 28 सितंबर को, 29 को आपका फिर से जो आपने रीसबमिटेड डॉक्यूमेंट किए हैं उनका वेरीफिकेशन होगा, 30 से 1 अक्टूबर तक आपको फर्म लिस्ट 2 आ जाएगी, और 2 से 4 सितंबर तक आपको यहाँ पर पेमेंट करना है एडमिशन फीस का, जो यहाँ पर प्रोसेस थी। 5 से 6 अक्टूबर तक अगर आप नहीं अक्टूबर तक 5 से 6 अक्टूबर तक अगर आप नहीं अपलोड कर पाते फीस, नहीं सबमिट कर पाते हैं, तो आपको फ़ाइन के साथ यहाँ पर करना पड़ेगा। उसी तरह राउंड 3 होगा, ठीक है, तो सेम प्रोसेस है जो मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर, राउंड 1 और राउंड 2। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर कर देना अपने फ्रेंड्स में, और हाँ, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको यहाँ पर प्रिपरेशन की वीडियोज़ भी मिलती रहती हैं। मैंने आपको काउंसलिंग प्रोसेस बताई, इसके साथ आप सब पिछले वीडियोस जाकर देख सकते हैं और उस कई सारे वीडियोस AMU EEE से रिलेटेड देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको प्रिपरेशन करवाई है। यहाँ पर प्रिपरेशन करवाई है इस चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ AMU 2023, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।